बिहार में सबसे तेज तेजस्वी ये रुझान मैं देख रहा था। तेजस्वी के सामने प्रधानमंत्री, उनकी पूरी फौज, बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, एक नीतीश कुमार की सरकार, सत्ता, ताकत, संपत्ति सब कुछ थी, लेकिन एक लड़का, युवा लड़का, जिसने कल ही अपनी जिंदगी के 30 साल पूरे किए, उस लड़के ने जिस तरह से एक आह्वान, एक चैलेंज खड़ा किया सबके सामने और आज टक्कर दे रहा है बिहार में, ये बहुत ही आने वाली राजनीति और भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए मैं मानता हूँ एक अच्छा संकेत है, अच्छा शक्ति है। जंगल राज के बाद वहाँ चल रही थी, लेकिन 15 साल से तो नीतीश कुमार जी की ही सरकार वहाँ चल रही थी, तो कौन सी जंगल राज वहाँ थी? लगता है लोग जंगल राज खत्म कर रहे आज, और तेजस्वी के नेतृत्व में मंगल राज शुरू होगा। केसी त्यागी वहाँ जेडीयू के बड़े नेता हैं और उन्होंने कहा कि कोविड के कारण वो चुनाव ट्रेल कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं या हारने जैसे नतीजे जो भी आ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं केसी त्यागी साहब का क्या बयान है और केसी त्यागी साहब क्या कहना चाहते हो। अगर कोविड की वजह से हार रहे हैं चुनाव आप, उसका मतलब है आपकी सरकार कोविड से लड़ने के लिए, जनता को सुविधा सुरक्षा देने के लिए नाकाम रही और उसे ही जंगल राज कहते हैं। सर, महाराष्ट्र झालेला सत्ता बदलामुळेच बिहारमध्ये देखील लोकांच्या मध्ये एक सत्ता बदलाचं परिवर्तन? मी तसं म्हणणार नाही, बिहारचं राजकारण वेगळं आहे, पण बिहारच्या राजकारणाचा निकाल काहीही लागू द्या दुपारपर्यंत, पण ज्या प्रकारची साहस, हिंमत आणि भूमिका बिहारच्या जनतेनं घेतलेली आहे या सगळ्या लढाईमध्ये, त्याचा देशाच्या राजकारणावरती नक्कीच परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही। मैं नहीं कहूँगा उनका अलायंस था, और मुझे लगता है अगर एक दूसरे को धोखा देना यानी अपने ही सरकार के टांग खींचने जैसा था। मोदी का क्या जिस तरीके से ट्रेंड था, अब वो धीरे धीरे महाराष्ट्र से जो कम होना शुरू हुआ वो बिहार में भी कंटिन्यू। देखिए, महाराष्ट्र हमेशा अपना कदम जो है वो सबसे पहले डालता है परिवर्तन की दिशा में। जब महाराष्ट्र में ही एक परिवर्तन हो गया तो पूरे देश में एक संदेश गया है कि हम भी बदलाव ला सकते हैं। जनता के मन में एक विश्वास, आत्मविश्वास भी पैदा होता है, युवा नेताओं के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है। जो मैं बिहार में देख रहा था, पूरी यूथ जनरेशन तेजस्वी के पीछे खड़ी रही और उसके नतीजे हम देखने को अब जा रहे हैं। कमी क्या रहेगी बीजेपी या जेडीयू की? कमी क्या रहेगी? देखिए, वो इतने महान लोग हैं, उसमें क्या कमी हो सकती है।